दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोगिया रानी के दरबार में। भगवती आपकी जय हो। ये देखो ये मेन गेट है, हालांकि मेन गेट वो है, यहाँ से ये एंट्री गेट है। अंदर चलते हैं अभी। आज संडे के हिसाब से दोस्तों काफ़ी भीड़ है, रविवार का दिन भैरव जी का और माता जी का दिन है, इसलिए दोस्तों काफ़ी भीड़ है आज। तो दोस्तों आज रविवार का दिन है इसलिए काफी भक्तजन आए हैं। ग्यारस भी है जी, भी आज और आज ग्यारस भी है दोस्तों। ग्यारस और रविवार दोनों मिल गए। देखे काफी मस्त है मामला। कैसा भाई? और सा ये आगे ना, आप ब्लॉग के अंदर आ गए। सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। ये मेरे भिलवाड़ा से ही है, सब लोग मेरे भिलवाड़ा से ही है दोस्तों। सब लोग दर्शन के लिए आए हैं, जैसे मैं आया हूँ वैसे ये भी आए हैं। तो दोस्तों मैं भी काफ़ी सालों बाद आया हूँ। पहले मैं रेगुलर लगभग 5-6 साल तक यहाँ पैदल आया हूँ। पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था, वो सब तोड़ दिया गया है। अब नया मंदिर का निर्माण वहाँ हुआ है। नीचे चलते हैं, मैं आपको दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ। व्लॉग में बने रहना, अभी और भी बहुत कुछ है जो यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी प्राचीन और शक्तिपीठ मंदिर है माँ भवानी का। तो दोस्तों नारियल इतनी मात्रा में तोड़े जाते हैं, इसलिए मशीन लगा रखी, पूरा सिस्टम बना रखा है। ये देखो लो, भगवती के श्रीफल चढ़ता है, इसलिए नीचे चलते हैं अब। तो दोस्तों अब नीचे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी भीड़ है दोस्तों, भीड़ बहुत ज़बरदस्त है, लाइन काफ़ी लंबी है। दर्शन में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दर्शन करेंगे, आपको करवाएंगे भी। तो जोगिया माता का जो मुख्य स्थान है वो नीचे है दोस्तों, नीचे से ऊपर आए इधर नीचे। दोस्तों भक्तों की भीड़ बड़ी गजब है आज, 1100 और रविवार दोनों मिल रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये लाइन है दोस्तों, काफ़ी लंबी लाइन है। अरे गजब हो गई, आ जा आ जा आ जा, आजा आजा दर्शन करने पहले यार, हो गया। तो दोस्तों भक्तों की भीड़ काफ़ी लंबी है, लाइन काफ़ी लंबी है। मुझे लग रहा है लगभग आधा घंटा लग सकता है दर्शन के लिए, आधा घंटा 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन लगेंगे। देखो आप भीड़ कितनी गजब। बोलो जोगिया रानी की जय। तो दोस्तों ऐसा बताया गया है कि 52 भैरू है और 64 जोगिया है, तो उसमें से एक ये स्थान है जो आपको काफी फेमस स्थान है दोस्तों, काफी प्राचीन और फेमस। मेरा भाई भी आया हुआ है। क्या हाल चाल? राज सोनी, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस, ये भी दर्शन करने के लिए आया हुआ है। मिलना था आज शाम को, उधर देख ले, उधर देख ले। अरे लड्डू देना, कर लीजिए छोरा, दर्शन तो कर लो। दर्शन कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं। अरे यार ज्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएंगे दर्शन दोस्तों, 10 मिनट में हो जाएंगे। पैसा मतलब आगे जब देखें बच्चे जिम्मा बुलाओ मना। बोलो ये बाल बॉक्स डब आया है, यानी गिर धनम आगे जब देखें जिम्मा बुलाओ तो बोलो। बामन ने बैठे खुआ दीजो, ये देखो पहले माँ के भोग लगेगा फिर बामन के। तो दोस्तों यहाँ मुर्गे को भी इस तरह अमरिया करके छोड़ते हैं, देखो मुर्गा ऊपर है, ये मुर्गो है। तो दोस्तों पहले भवानी के दर्शन करने के लिए ये जो सीढ़ियाँ हैं ये थी, डायरेक्ट सीधी यहाँ तक आती थी, लेकिन अभी नए मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उधर से रास्ता कर दिया है और इसको पूरा क्लोज कर दिया है। तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत तरीके से मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया है। कटो आया आप? कोटा से। कोटा से? नाल गाँव से। नाल गाँव से करने मणि बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से। बस दोस्तों 5 मिनट और लगेंगे। सब्सक्राइबर कौन कौन सा वीडियो देखा? आपने बहुत सारे वीडियो देखे आपके।
सब भवानी के दर्शन करने के आए दोस्त। इसको ले छोरा, वो शैतान है। नाम है क्या? नाम है इसका? सीटू बना। सीटू बना ये आदि शक्ति दुर्गे माँ भवानी आपकी जय हो। जगत जननी माँ भवानी आपकी जय। तो दोस्तों ये भैरू जी का स्थान है, देखो मंदिर ये है दोस्तों, माँ भवानी की मूर्ति पीछे। सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव राम मद्वयम। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए और यहाँ पे मुझे मेरे काफी सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, इन्होंने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। आप कहाँ से भैया? कुठोली गांव। कुठोली गांव से कहाँ पड़ता है ये? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के पास। थैंक यू दोस्तों। 12 साल से भी ज़्यादा लंबी बोलमा थी, 12 साल की थी हालांकि, लेकिन 15 साल हो गए थे और जोगनिया रानी के बोल रखी थी इन्होंने। तो ये जो जटा है, 15 साल से इनके सिर पर केस थे। 15 साल जैसे तपस्या 12 साल की होती है, लेकिन इन्होंने 15 साल तक की और ना तो इन पर कंगा लगाया और ना इनको कटवाया कभी, और आज इनकी बोलमा पूरी हो गई। तो ये देखो यही विसर्जित कर रहे हैं इनको। जय माँ जोगनिया की। जय हो माँ भवानी आपकी जय हो। आपको प्रणाम करते हुए भाऊ जी अपने बालों को माँ के चरणों में देखो। मिशन सक्सेसफुल। मिशन सक्सेसफुल। ये नीचे घाट है दोस्तों, देखो कितना गजब। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही गजब हो जाता है मामला, पूरा ग्रीन हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा। दोस्तों हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी है, बाकी नीचे मुख्य स्थान है जहाँ से माँ का जो है मूर्तियाँ ऊपर आई थी, जोत ऊपर आई थी, वो प्राचीन स्थान नीचे है, वहाँ नीचे उस जगह वहाँ चलेंगे। लेकिन 200-250 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ेगा, इतना हमारे पास समय नहीं है। अब हमको जो है मिंडिया महादेव जो है उसके दर्शन कराता हूँ मैं आपको, वहाँ चलते हैं, लेट हो जाएंगे वरना। तो अब तक ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कर देना। हम ऐसे ही धार्मिक स्थल आपको और दिखाते रहेंगे। अभी जो है मीट के माध्यम दिखाते हैं आपको, चलो मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ माता जी का प्रसाद मिलता है जो हम भी लेंगे, प्रसाद लेते हैं, यहाँ से प्रसाद खरीदते हैं। हंसराज प्रसाद ले रहा हूँ, प्रसाद लेते हैं दोस्तों, प्रसाद दो। दोस्तों चित्तौड़ के पास एक सांवलिया जी का मंदिर है, वहाँ पे भी इसी तरह प्रसाद मिलता है, वो काफ़ी टेस्टी लगता है और ये भी काफ़ी टेस्टी है, अभी इसको चेकआउट करेंगे। लड्डू 130 का है, लेकिन ये प्रसाद इसलिए इसमें स्वाद जो है बहुत गजब है क्योंकि देसी घी में बनता है। दो भाई ने लिए, 3 मैंने लिए, एक एक हम खाएंगे बाकी घर लेके जाएंगे। चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों जोगड़ा रानी के मंदिर के जस्ट पीछे ये भोले बाबा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ये देखो आप नक्काशी की हुई है, गजब, बहुत प्राचीन मंदिर है, इतना बड़ा शिव है। हर हर महादेव, भोले शंकर, चंद्रमौली आपकी जय हो। तो दोस्तों ये जो शिवलिंग है, यहाँ पर जो रेड स्टोन निकलता है, लाल पत्थर निकलता है बिजोलिया में, उस पत्थर से ही इसका निर्माण हुआ है। काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है दोस्तों, देखो आप कितना बड़ा है, काफ़ी प्राचीन है। और सबसे बड़ी बात, ये खंडित नहीं है, ये अपनी पूरी सही अवस्था में है। सबसे बड़ी बात ये कि अपनी सही अवस्था में है और ये खंडित नहीं है। ओम
नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यक्कत्वे महादौरवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय तियुगाय नमस्ते। ये आज्ञा चक्र दोस्तों, ये हम सबके अंदर होता है, जिसको साइंस बोलती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आज्ञा चक्र द थर्ड आई। महादेव के दर्शन कर लिए, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्या बोलते हैं मींडिया महादेव। दोस्तों काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ लेके चल रहा हूँ मैं आपको मींडिया महादेव। और ये मेरे पीछे आप देखिए जोगिना माता का मंदिर जो है, मुख्य मंदिर यहाँ से बन के तैयार हो गया, आगे और कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो कैसा लगा अब तक ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ मेरे सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। पहले कम से कम 4-5 लोग मिल चुके हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर थे। अब ये भाई जो है ये भी हमारे सब्सक्राइबर है। कहाँ से आप लोग? होड़ा, भिलवाड़ा से। ये होड़ा से? होड़ा। गुड नेम? अजय सिंह। अजय, वाह यार, मेरे नाम है ये अजय। अजय अजय से मिल गया। अजय दर्शन के लिए आए हमारे माता जी से। चलो अच्छा। तो दोस्तों ये भी पेमा के फैन है। दोस्तों ये जो वर्ड है घसेड़ी का और फोडाल का राजू के साहब के लिए था। एक बार यहां सरपंच साहब है, चुनाव हो गए ना अब तो यार। गुड नेम आपका? राजू जी सवाल लुगे लड़पा लागी था चक्र। भाई साहब कह रहे हैं लुगे लड़पा लागी कई 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 लेवल लड़ी देखो गड़ा गड़ा लकड़ी की नहीं अपने यहाँ की गालियाँ चुपती नहीं है। बाकी YouTube पे माँ बहन की गालियाँ बक बक के लोग मिलियंस में सब्सक्राइबर लिया है, पैसा भी कमा रहे हैं। अपन माँ बहन की गालियाँ नहीं बकते भैया, मेरे को नहीं पसंद। मेरे को नहीं पसंद अपने अपने यहाँ की। ठीक है घसेड़ी का और पुडाल का छपे कौन है? ये छपे कौन है? ये चुपती नहीं है, बाकी सब तो चुपती है। तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर भाई जो है इनके यहाँ मुंडन की झड़ू लेगी ना, झड़ू लेगी रसोई है। तो ये जिद कर रहे हैं कि आपको दाल बाटी खानी पड़ेगी। तो देखो दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, हमें दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेंगे, फिर इसके बाद मींडिया महादेव निकलेंगे, प्रसाद लेंगे दोस्तों। अच्छा आप बर्तन धो रहे हो? अरे अजय भैया ये शूटर का है। अच्छा इसके मुंडन के मुंडन थे शूटर। क्या नाम इसका? बिट्टू। तो बिट्टू के मुंडन थे दोस्तों, इसलिए हमको ये मनवार कर रहे हैं कि प्रसाद लेना पड़ेगा, इसलिए हम आ गए प्रसाद लेके। फिर यहाँ से आगे जो मींडिया महादेव उसके दर्शन कराएंगे आपको। क्या नाम है बेटा? बिट्टू। बोल नहीं तो गोली मार दूंगा। बिट्टू बड़ा साइलेंट हो गया। बिट्टू बोल नहीं तो गोली मार दूंगा तेरे। तो हमारे मेवाड़ में दोस्तों मनवार जो होती है बड़ी प्रेम से और बड़े तरीके से की जाती है, ऐसा बाकी जगह होता है नहीं होता। लेकिन हमारे राजस्थान का मामला बहुत अलग है, बहुत अलग है। यहाँ बहुत प्रेम से और दिल से मनवार करते हैं लोग, तो मनवार रखनी पड़ती है, इसलिए हम आ गए प्रसाद लेने के लिए। तो दोस्तों आ गया दुनिया, आ गई पत्तल, इधर आ गई दाल, इधर आ गई कड़ी। ठीक है, पत्तल में जो भी आएगा उसका कत्तल होगा, कत्तल। कड़ी भी है, कड़ी बहुत टेस्टी लगती है। मतलब कहाँ आए, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। माता रानी इतना, हाँ बिल्कुल 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 प्रेम से प्रसाद दे रहे हैं, तो प्रसाद तो लेंगे। फोन करो जोरदार धारो। तो पेमा के फैंस ने काफ़ी अच्छी मनवार की, हमने प्रसाद भी खाया, ठीक है ना। अच्छा इसी बस में आएगा, प्रसाद भी ले लिया। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मींडिया महादेव, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है, रावदड़ा करके गांव है उसके पास में। तो वहाँ दर्शन करके फिर हम भिलवाड़ा निकलेंगे। और हम जिस भाई ने हमें प्रसाद खिलाया उसने चतानी भी दी, और चतानी में अजय ही दिया। मर्दा भिलवाड़ा चल रहा है। अजय ला जा। अच्छा भिलवाड़ा चल रहा है क्या? हैं भिलवाड़ा जाना है इसको? ठीक ठीक ठीक। कैसा है मेरे भाई? कैसा जी? जैसे राम।